अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सबको खुशाई किचन में वेलकम। आज हम बनाने जा रहे हैं लच्छा रोल रेसिपी। जी हाँ, ये बहुत ही यूनिक है। अगर आपको ये यूनिक लगे तो आप हमारे चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए आज हम बनाना शुरू करते हैं अपना लच्छा रोल। सबसे पहले हमने चिकन लिया 200 ग्राम, उसके अंदर हमने एग वाइट ऐड करना है। अंडे की जो सफ़ेदी होती है वो हमने इसके अंदर ऐड करनी है, एक अंडे की। फिर हमने इसके अंदर अपना लहसुन लेने हैं 3 अदद हमने लहसुन के जवे लेने हैं, उसको अच्छे से ग्रेट कर लेना है। हमने इसमें लहसुन ऐड करा है। फिर उसके बाद हमने इसके अंदर ब्लैक पेपर, काली मिर्च पाउडर, नमक, सॉल्ट, रेड चिल्ली मतलब लाल मिर्च और ये चिकन पाउडर। चिकन पाउडर आपका ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो ऐड करें, वरना नहीं। ये टेस्ट को इन्हेंस करता है इसलिए डालते हैं। इसके अंदर हमने विनीगर डाला है 1 टेबल स्पून, सोया सॉस 1 टेबल स्पून, चिल्ली सॉस 1 टेबल स्पून। अब हम इसके अंदर मैदा ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैदा हमने इसमें इसलिए ऐड किया है ताकि वो बाइंडिंग आए, हमारे जो हम लच्छा रोल बनाएंगे उसके अंदर हमारी बाइंडिंग अच्छे से हो जाए। तो हमने इसके अब हमने इसे मैरिनेट करके अपने चिकन को रख देना है तकरीबन 15 to 30 मिनट्स के लिए। और ये हमने लिए हैं समोसा पट्टियाँ हैं, इनके लंबे लंबे हमने जो रोल वाली पट्टियाँ मिलती हैं उनको हमने लंबा लंबा सीधा सीधा कटिंग कर लेना है। जैसे मैं काट रही हूँ उस तरीके से आपने इसको कटिंग कर लेना है। जितना बारीक होगा उतने ही आपके मज़े के बनेंगे। अब हमारी सारी पट्टियाँ हमने ऐसे काट लेनी है स्ट्रेट। फिर हमने इसे सीधा सीधा रखना है, किसी भी आप रख सकते हैं, हमने कटिंग बोर्ड पर रख लिए। फिर इसके अंदर हमने जो चिकन मैरिनेट किया था उसके जो हमने चिकन थी हमने सीधी पीसेस लिए थे लंबे लंबे, वो हमने एक पीस हमने इसके अंदर रखा और उसे फोल्ड कर दिया अच्छे से। हमने जो इसमें मैदा डाला था ना इसलिए डाला था कि वो अभी बाइंडिंग ला सके, तो इससे हमारे जो है अच्छे से बाइंड होंगे। जैसे कि अब हमने इसको अच्छे से फोल्ड कर दिया, ये हमारे लच्छा रोल बन के तैयार है। ऐसे ही हमने सारे रोल तैयार कर लेने हैं। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे लो फ्लेम पे, मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। और इसको जब आप ऑयल के अंदर ऐड करें, जब डालें तो इसको हिलाएं नहीं, उसको थोड़ा सा पक जाए ना फिर इसे हिलाएं, वरना आपको खुल सकती है पैकिंग। तो आई होप